दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया कि कोई एक ऐसी चीज बताइए जिसे आप जिंदगी भर करना चाहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसे मैं जिंदगी भर करना चाहता हूँ। मेडिटेशन एक ऐसा वर्ड है जिसे हम आजकल बहुत ज्यादा सुनते हैं और बहुत ही अलग अलग कारणों की वजह से सुनते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसको तो स्पिरिचुअल लोग करते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं जो जो पूरे जीवन का त्याग कर चुके होते हैं, जगत का त्याग कर चुके थे उनको करते हैं। और कहीं ना कहीं इतनी सारी टेक्निक्स बता दी गई है मेडिटेशन को करने की कि सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि मेडिटेशन को करें ना करें, करें तो क्या करें, करें तो कैसे करें। इसी चीज को माइंड में रखते हुए हम एक बहुत छोटी सी वीडियो बना रहे हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि मेडिटेशन को सिंपली और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। मेडिटेशन का असली मतलब है हमें अपने आसपास की चीजों से अवेयर होना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब मेडिटेशन की मुद्रा में जाते हैं, तो पहले तो हमें चौकड़ी मार के आलती पालती मार के हमें बैठना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस करके हम पैर लाइक क्रॉस करेंगे फिर हम उसको बैठेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जो मेडिटेशन के बिगिनर्स होते हैं वो अपने कहीं पर भी बैठ के, अब चेयर पर भी बैठ के भी अपना मेडिटेशन को कर सकते हैं। मेडिटेशन में बेसिकली फिजिकल जो आपका अपीयरेंस है, आप फिजिकली कैसे बैठे हैं, उसकी उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कंफर्टेबली बैठना। क्या आप कंफर्टेबली बैठे हैं, क्या आप अनकंफर्टेबल तो नहीं है ना मेडिटेशन को करते वक्त। तो वो चीज सबसे पहले बहुत ज्यादा ध्यान रखी जाती है। उसके बाद हमें क्या चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूं तो मैं ऐसा जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन को करने के लिए मुझे 30 या 40 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटा निकालना पड़ेगा। आप मेडिटेशन 5 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। अगर कोई इंसान डेली 5 मिनट भी मेडिटेशन कर रहा है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो इंसान बहुत हद तक बहुत आगे है, फिर बहुत मेंटल पीस के साथ मेंटल हेल्थ उसकी बहुत इंप्रूव हो चुकी होगी। तो ये मत सोचिए कि मेडिटेशन का मतलब सिर्फ टाइम है, मैं ज्यादा देर कर पाऊंगा तो बहुत अच्छा है, थोड़ी देर से क्या ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास 5 मिनट भी है तो भी आप कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो एक शांत जगह पर बैठे जहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कहीं पर भी बैठ गए, कोई एक ऐसा कमरा ढूंढिए या घर का ऐसा कोई कोना ढूंढिए जहां पर बहुत ज्यादा शांति हो और वहां पर आप बैठ जाइए। आप जमीन पर भी बैठ सकते हैं, आप सोफे पर भी बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद कीजिए। और सिंपलेस्ट इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है, उस वक्त जब आंखें बंद करके मेरे को करना है, आंखें बंद करके ना आप एक ही कोशिश कीजिए, आपको ना मिनिमम 5 अलग अलग तरह की आवाजें सुनिए कि आपके आसपास कौन कौन सी आवाजें हैं, आप उनको ऑब्जर्व करो बहुत ही शांति, बहुत ही सूदिंग सांसों के साथ। आप अपनी ब्रीदिंग भी इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, आप सांसें ले सकते हैं 4 या 5 बार और सांसें छोड़ सकते हैं ताकि आप उस जोन में भी आ जाए। और जब आप आंखें बंद करते हो, आंखें बंद करने के बाद आप अपने आसपास के 5 चीजों को ऑब्जर्व करो कि आपके आसपास क्या क्या चल रहा है। आप पंखे की आवाज को ऑब्जर्व कर सकते हो, आपका कंप्यूटर चल रहा है उसकी आवाज को ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके घर के बाहर से कोई गाड़ी जा रही है उसकी आवाज को ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके आसपास से कोई ट्रेन जा रही है, कोई पक्षी है, कोई चिड़िया है उसकी आवाज को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अपने आसपास की आवाजों को ऑब्जर्व करो और यही मेडिटेशन है, ऑब्जर्व करना, अवेयर होना कि मेरे आसपास क्या है।